दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम भारत के कुछ ऐसे अजीबोगरीब गांव के नाम को बताने वाला हूं जिसे सुनकर आप अपनी हंसी को नहीं रोक पाएंगे। और साथ ही अपने मन में ये कहेंगे कि अच्छा हुआ मैं इस गांव का नहीं हूं। अच्छा, हमको सिखा दिया है। अटपटे नामों की सूची में सबसे पहले ये है भैंसा रेलवे स्टेशन। इस नाम को सुनकर आपको जरूर इसकी याद आ रही होगी। वहीं आपको ये बता दे कि ये रेलवे स्टेशन यूपी के मथुरा शहर में लोकेटेड है। अब अटपटे नामों की सूची में ये दूसरा नाम है बिल्ली जंक्शन का। इस नाम को सुनकर आप ये बिल्कुल भी नहीं सोचिएगा कि यहाँ पे बिल्लियों के लिए ट्रेन आया करती है। ये जो बिल्ली जंक्शन है वो यूपी के सोनभद्र जिले में है। अब एक नजर जरा आप इस यूपी के यूनिक गांव के नाम पर डालिए जिसका नाम है पनौती। ये गांव यूपी के चित्रकूट जिले में है जहां पर करीब 2000 के आसपास लोग रहा करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं ये काला बकरा रेलवे स्टेशन की तरफ जो कि पंजाब के जालंधर में है। इसके नाम को सुनकर आप ये बिल्कुल भी नहीं सोचिएगा कि ये बकरों का रेलवे स्टेशन है। वहीं जरा अब इसको देखिए, रांची के इस पुलिस स्टेशन का नाम है चुटिया थाना। ये नाम जब हिंदी में लिखा होता है तो इसे पढ़ने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है, लेकिन परेशानी उस वक्त होती है जब ये नाम इंग्लिश में लिखा होता है जहाँ पे कुछ लोग इसे चुटिया थाना के बजाय चुटिया थाना पढ़ बैठते हैं। अगला ये जो मुंबई का गाँव है इसके नाम को मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ने वाला। बस इसको आप पढ़ के बताइए कि क्या इसके नाम को बदलना जरूरी है या नहीं। अब ये देखिए कि तेलंगाना में एक गांव का नाम है टट्टी खाना। आप ही बताइए कि इस नाम को सुनने के बाद आपको नहीं लगता कि इसके भी नाम को बदला जाना चाहिए। लोलपुर, ये गांव भी यूपी के अयोध्या में है जहां के लोगों को इस नाम से खासा परेशानी होती है। अब ये देखिए, पुणे के इस गांव का नाम है पिंपल सौदागर। इस गांव के नाम से ऐसा मालूम पड़ रहा है कि पूरे विश्व में जो लोगों के चेहरे पे पिंपल हुआ है वो इन्हीं गांव की देन है। ये देखिए, ये है झारखंड का दारू रेलवे स्टेशन। इसके नाम से अब आप ये नहीं समझ बैठिएगा कि यहाँ पे ट्रेन की जगह पे दारू मिला करती है। तो दोस्तों, ये थी देश के कुछ अटपटे गाँव के नाम जिसे जल्द से जल्द बदल देना चाहिए। वैसे इस गाँव के नाम के बारे में आपका क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।